What's up guys, good morning, welcome back to another day, another vlog. Guys, right now, मैं अभी हूँ. Guys, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा दो दिन पहले जाना पड़ेगा, 2 days back. ये देखो पीछे का ब्यूटीफुल व्यू. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे जान के बड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है. हेलो भैया. हाँ भैया, एक वो एक रोज का फ्लावर आप कर दीजिए ना, वो एक्चुअली थोड़ा जल्दी 9 o'clock तक थोड़ा भेज दीजिए, बहुत अच्छा होगा भैया, प्लीज़ भैया. हाँ वो SNN B1 1301 पे. हाँ भैया, हैप्पी एनिवर्सरी टू लीना बोल के आप थोड़ा प्लीज़ करवा दो ना. गाइज, तो सीन कुछ इस तरह से है. गाइज, एक्चुअली क्या है कि कल हम लोग एनिवर्सरी है 3rd August, और मैं लीना के लिए, लीना को फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं भूल चुका हूँ. ओके, और अभी मुझे जिम में जाना है और अभी लीना का क्लास चल रहा है, तो मैं इस रूम से, मैं अभी तुरंत हमारे जो अपार्टमेंट पे ओनर रहते हैं उनको मैंने बोल दिया. उसको ऑलरेडी मैंने उसके लिए गिफ्ट पहले ही दे दिया है, लेकिन फ्लावर उसका, उसको जितने भी कॉस्टली गिफ्ट दो उसको मैटर नहीं करता, लेकिन उसको फ्लावर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने रेड रोज़ फ्लावर मैंने ऑर्डर दी है. ठीक है गाइज, आज का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. आज हम लोग एज यूजुअल कार्डियो करेंगे. आज हम लोग 10 मिनट्स में 100 कैलोरी बर्न करेंगे. टाइम लगा, डिस्टेंस है 1.43 किलोमीटर, 101 कैलोरी. गाइज, आज का जो मेरा टास्क था वो था 10 मिनट्स में 100 कैलोरी. गाइज, ये इतना आसान नहीं है. 10 मिनट्स में 100 कैलोरी बर्न होता है आपका 14 to 16 मिनट्स. 10 मिनट्स में करना, आपका ब्रीद, आपका छाती आपका बाहर आ जाता है. ठीक है गाइज, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. जो लोग अपना फैट लॉस या फिर वेट लॉस बर्न करना चाहते हो. हे गाइज, आज बहुत स्पेशल दिन है बिकॉज टुमारो इज आवर एनिवर्सरी. मेरा क्लास अभी खत्म हुआ एंड आई रियली एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. अभी तक मैंने जो भी खरीदा है देवराज के लिए, आई हैव टू पैक अप. ही इज इन जिम एंड आई जस्ट फिनिश्ड क्लास, तो अभी इस टाइम के अंदर मुझे सब कुछ कर लेना है. तो आई हैव गॉट अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर हिम व्हिच ही ओनली वांटेड आई नो. तो दिस इज आवर ओस्मो एक्शन कैमरा व्हिच आई एम गिविंग हिम. आई हैव गॉट अ ज़ारा का टी शर्ट. आई वेंट एंड आई ओनली सिलेक्टेड, ही डजंट नो, ही डिडंट. डिकैथलॉन से मैंने उसके लिए एक जैकेट लिया था, हाफ जैकेट, और कुछ कुछ चीज मैंने मंगाया था, ये सब पैक करनी है. केक भी मैंने मंगा लिया मेरी फेवरेट शॉप से, दैट इज ट्रफल्स, एंड दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड अ वेरी सिंपल फेरो रोशर का केक. सो दिस इज द केक, इट हैज कम. ये है पूरा स्कैटर्ड पार्ट. तो देखा, मैंने 9 minutes 40 seconds में कंप्लीट किया. ओके, पहले इनिशियली 3 मिनट मैंने मीडियम में दौड़ा, फिर 3 to 4 minutes मैंने रेस लिया, मतलब थोड़ा स्लो हो गया, और फिर 4 to 6 minutes फिर से तेज़ दौड़ा, फिर 6 to 7 minutes स्लो हो गया, फिर लास्ट में 7 to 9 minutes तेज़ दौड़ा, लास्ट का 1 मिनट रेस लिया, ब्रीद लिया, अभी भी मैं हाँप रहा हूँ. गाइज, फाइनली मैं अभी जिम से आ गया हूँ. बड़ी हम लोग अपार्टमेंट का जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी गेट पे आता है तो हम लोग के दोनों के फ़ोन में घंटी बज जाती है, तो लीना अभी पूछ रही है कि क्या आया है क्या है, तो इसीलिए अभी देखते हैं. गाइस, बेसिकली ये है फिलहाल फ्लावर और ज़ारा. ये लीना उधर पे है, किसी तरह से मैनेज करके इस रूम पे लेके. गाइस, ये अगला दिन है और आप लोगों ने देख ही लिया है कि लीना ने मेरे लिए क्या किया है. ठीक है, मैं गाइस एक्चुअली क्या हुआ कि आज अभी मैं सो के उठ के मेरा मीटिंग था डेफिनेटली, और उसके बाद ये सारी चीज़ें. ओके, लुक एट दिस गाइस, ये फ्लावर तो मैंने दिया है, ये वाला और ये वाला. गाइज, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़ारा का ऐड चल रहा है, बट उसको ज़ारा पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ. Hey guys, फाइनली हम लोग रेडी हो गए. लीना ने मेरे को कहा है कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, पता नहीं, बिल्कुल बोला कि रेडी हो जाओ. वो सूटकेस लेके जा रही है,
मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बोली कि मैं गाड़ी पे चल के बताऊँ। तो जैसे कि पता है कि लीना ने मेरे को एक जैकेट दिया है, हाफ जैकेट, मैं वो दिखाता हूँ, बाहर पे रखा हुआ है अभी, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक दो जैकेट मैं किसी को दे दूंगा, नीचे सिक्योरिटी भाई है उन लोगों को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन लोगों को दे दूंगा। मेरा जो पुराना जैकेट था बहुत ही अच्छा जैकेट है, और वो मेरे मतलब मेरा भी साइज़ में नहीं होता है, वो डबल एक्सेल है, अभी तो मेरा लार्ज होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगा, मैं दिखा देता हूँ कौन सा दे दूंगा। ये एक बहुत अच्छा जैकेट है, दिस इज अ डेनिम जैकेट, हाफ जैकेट। आई एम ए बिग फैन ऑफ हाफ जैकेट, बट अभी मैं इस जैकेट को नहीं पहनता हूँ यूजुअली, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, यू कैन सी दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। ये इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अभी ढीला होता है, और मैं डेफिनेटली मैं इससे मोटा हूँगा नहीं, ओके। तो मुझे लगता है कि मैं जो नहीं होता है वो दे देना चाहिए, किसी को काम आ जाए। गाइस तो फिर चलो निकलते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि लीना क्या सरप्राइज देने वाली है। बोला है कि ये पहन लो, ऑफिस का बैग ले लो, कैमरा का बैग ले लो, हम लोग कहीं पे निकल रहे हैं। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, फुल्ली सरप्राइज। करेक्ट लीना, थोड़ा सा बोल तो कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज कहाँ पे? कहाँ पे? आई कांट से नाउ। ओह, शी कांट से नाउ। ठीक है चलो अभी नीचे चलते हैं और गाड़ी निकालते हैं। को पूछे जा रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी MG रोड, अभी मतलब MG रोड मतलब बैंगलोर का मेन MG रोड होता है। तो उसके बाद? उसके बाद इसे सरप्राइज। उसके साथ पता नहीं क्या सरप्राइज, हम लोग का एनिवर्सरी को कब, तकरीबन कितने साल हो गए लीना? 9 years. Oh, 9 years. गाइस हम लोग ऑलमोस्ट MG रोड पहुंच चुके हैं। लीना अभी कहां, किधर? अभी क्या, अभी MG रोड पहुंचने में 1 मिनट बाकी है। वी आर गोइंग टू लीडो मॉल। लीडो मॉल? ये मेरे को बैग लेके जगह लीडो मॉल जाने के लिए बोल रही है, तो हद हो गई यार। की मार यार, की जा जाएगी तुम? चलो तो लीडो मॉल, फिर विल सी। लीडो मॉल जाना है विशेष लास्ट। गाइज ये है हमारा व्यू बालकनी का नहीं बोल सकते, रूम का, कालसूल लेक, और ये है कॉनराड होटल। तो हाउ यू फीलिंग? गुड, इट्स गुड एक्चुअली, बट रूम थोड़ा छोटा है। ओके गाइस, ये अपना बाइक का देखो, ओ माय गॉड, बाइक का रूम, लेकिन वो लेडी साड़ी में, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। गाइस ये है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू, ब्यूटीफुल यार, लुक एट दिस यार, अमेजिंग अमेजिंग। बेसिकली हम लोग हैं अभी इस होटल पे, थोड़ा सा केक काटेंगे और ऑफिस का काम करना स्टार्ट करेंगे, यही मेन है, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ऑफिशियली आज लीव नहीं ली। गाइस अभी बारिश स्टार्ट हो रहा है, देखो बारिश की एक दो बूंदे गिर रही है, पानी पे क्या, देखो वो देखो पानी पे। कभी कभी लगता है कि ऐसा सुकून, बाप रे बाप, मुझे बिल्कुल फील आ रहा है कि मैं अभी
मलेशिया में हूँ. इनफैक्ट वो अलग बात है कि मलेशिया के जो घर होते हैं वो ऐसे नहीं है, बट लिटरली आई एम फीलिंग लाइक द सेम फीलिंग. और वो देखो पीछे, वो देखो पीछे गाइस, वो वाला है आपका EMC स्क्वायर का बिल्डिंग, और वो वाला है आई थिंक वाइट फील्ड में कुछ, वो है आपका कोई दूर पे कुछ दिख रहा है. बहुत अच्छा लगा है. इनफैक्ट गाइस फाइनली हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के मॉल पे आए हैं. लीना को कुछ लेना है, उधर पे लीना खड़ी हुई, बहुत बड़ा लाइन है. मॉल में HM में गए थे, लीना को कुछ भी पसंद नहीं आया. और ये है पीछे, जो पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं ओबेरॉय होटल. सोचा कि दूसरे और भी जगह पे जाएंगे, लेकिन लीना बोली कि नहीं होटल चलो, वहाँ पे जाके आराम से रेस्टोरेंट में वहाँ पे जाके चिल करेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे, वही प्लान है. फाइनली हम लोग आ गए इनवानी, थोड़ा सा फोटो शूट किए इंस्टाग्राम में. और मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, मैं आपको लाइट बंद करूँगा और लाइट बंद करके पीछे का मैं आपको व्यू दिखाऊँगा. It's looking terrific, guys. Actually looking terrific. Such bol raha hu. Ready? 1, 2, 3. Guys. Wow. Guys, ye dekho. Ab pata nahi aap logo camera mein kitna samajh mein aa raha hai. It's beautiful. Okay. But ye view bahut hi zyada khoobsurat hai yaar. बजे है शाम के ऑलमोस्ट 8:30. मैं और लीना अभी डिनर के लिए, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अभी हम लोग थोड़ा देर रेस्ट लिए आके, ठीक है अभी डिनर के लिए जाएंगे. बट बैंगलोर के अंदर इस तरह से मैं कभी सोचा नहीं था. थैंक्स टू लीना. ओके थैंक यू सो मच फॉर लवली ट्रीट. ओके तो अभी चलो हम लोग जाके भी डिनर करते हैं. फाइनली हम लोग अभी है में डिनर कर रहे थे. ओके तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डिनर इज, मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, कभी भी इस तरह के होटल में आओगे तो तुम लोग डिनर साथ में पैकेज में लेना. मैं रीज़न बोलता हूँ गाइस. बेसिकली क्या हुआ गाइस, यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं नॉन वेज हूँ, लीना वेज है, तो हम लोगों को बोला गया है कि 3 course meal, तो मैं स्टार्टर मेन कोर्स डिज़र्ट ले सकता हूँ, साथ में राइस और रोटी फ्री है. तो लीना के लिए भी जैसे वेज है, तो उन्होंने भी एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और एक डेजर्ट फ्री है. तो हम लोगों को टोटल 6 dishes हम लोगों को मिल रहा है. ओके अपार्ट फ्रॉम राइस एंड चपाती, द बेस्ट पार्ट इज दैट गाइस, आप यदि इस तरह के होटल में यदि आप इंडिविजुअल डिश ऑर्डर देते हो, तो आपको एक एक डिश के लिए मिनिमम 600 पे करना है. बट हम लोगों ने जो पैकेज लिया है, तो हम लोगों को सिर्फ 1000 rupees पे करना पड़ा है, वो भी 2 जन के लिए, और हम लोग को 6 items मिला है, विच इज़ एक्चुअली चीपर स्टे के साथ. ठीक है, गाइज आप लोग ने इधर तक देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. ये एक डिफरेंट तरह का ब्लॉग था, मैं यूजली बाइक्स का बनाता हूँ, बट लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे थे, डेली ब्लॉग्स, तो मैंने इसलिए इसको डाल दिया. तो प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स. अभी चलो लास्ट.